वेलकम टू द एसपी ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Console.log के बारे में। Console.log को किस लिए यूज किया जाता है? JavaScript का जो Console.log फंक्शन है, इसको इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर आपका JavaScript में कुछ भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी कोड लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको कंसोल करने के बाद जो डिबग मोड होता है, डिबग मोड के अंदर कोई भी मैसेज देखने के लिए Console.log का इस्तेमाल किया जाता है। Console.log जो फंक्शन है, ये फंक्शन के मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट में, मतलब जो HTML का डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, पर आपको नजर आएगा जब आप डेवलपर मोड में, आप डिबग मोड में रन करेंगे। अब देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर राइट मैसेज ऑन डेवलपर विंडो ऑन डिबग मोड। टू ओपन डिबग मोड प्रेस F12 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। मतलब Console.log को इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेवलपर विंडो में कोई भी मैसेज को देखने के लिए। और डेवलपर विंडो को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो HTML है, HTML को रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद आपका HTML पेज में F12 प्रेस करना पड़ेगा या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस जे, जो कि गूगल क्रोम का शॉर्टकट है, ठीक है। इसको दबाने के बाद आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाएगा और आप देख पाएंगे कंसोल में जाके, आपका कंसोल का जो लॉग है, जो मैसेज है, उसको देख पाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैब के अंदर Console.log लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 5 + 8 इज, कोलोन देने के बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया है, कॉमा देने के बाद लिखा हुआ है 5 + 8। इसका मतलब है यहाँ पे आपको शो करेगा डिबग मोड में सम ऑफ 5 + 8 इज, 8 + 5 जितना होता है 13 आपको शो करेगा। तो चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट टैग लिया हुआ है, तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ Console.log। लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा को लिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ 5 + 6 इज, मैं कोलोन दे देता हूँ, उसके बाद मैं देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक मैसेज है, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद मैं क्या करूँगा 5 + 6 ये दोनों वैल्यू है, ये क्या होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, 5 + 6 मतलब 11 कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ये एक मैसेज है, इसलिए मैं मैसेज को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिया हूँ। शायद हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, मैसेज है, ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद आपको ये 5 + 6 का जो सम है वो आपको दिखाई दे देगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट जे दबा देता हूँ। दबा देने के बाद आप देख पाएंगे मेरा जो डेवलपर मोड है यहाँ पे ऑन हो गया है। आप लोग देख पा रहे, आप लोगों का शायद एलिमेंट में यहाँ पे आपका आएगा, आपको जाना पड़ेगा कंसोल में। कंसोल में जाने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे जो मैसेज था सम ऑफ 5 + 6 इज, कोलन देने के बाद आप देख पाएंगे 5 + 6 जो सम था 11 वो आ गया है। आप लोग देख पाएंगे इसका जो एलिमेंट था यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कंसोल में ये आपका आ गया है, ठीक है। एलिमेंट पे आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा और यहाँ पे HTML का पेज में भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ये आपको कंसोल विंडो में, डिबग विंडो में दिखाएगा। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी डेवलपर, कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी यूज़र क्या फंक्शन को टच किया है या कौन सा फंक्शन को यूज़ किया है, उसको देखने के लिए ये मैसेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग Console.log का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे window.alert फंक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।